सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टीवी इंडिया के एक और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी धार्मिक परंपरा और रिवाज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही रोचक है। दुनिया गोल है और इसी गोल दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। सभी अलग जाति और अलग द्वीप पर रहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर जगह पर एक नया रिवाज और एक नई परंपरा है, जिनमें से कुछ रिवाज हमें हैरान करने वाले हैं तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको जिन रिवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। कैमरून जनजाति। कैमरून मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देश है। कैमरून देश का इतिहास बेहद रोचक और विश्व युद्ध से जुड़ा है। यहाँ की कुछ जनजातियों में विधवा महिलाओं को उनके पति के मर जाने पर अपने पति के शव को पानी से साफ करके उसी गंदे पानी को पिया जाता है, जिसके बाद से ही वो अपने पति से मुक्त हो पाती हैं, और इनकी ये अजीब परंपरा सालों से चली आ रही है। सेंटिनलीज जनजाति। ये जनजाति बहुत ही खतरनाक है और इसके पास बाहरी लोग नहीं जा सकते। ये उन आदिवासियों में से एक है जो साल 2004 में आई सुनामी में बाहरी दुनिया की कोई मदद के बिना जीवित बच गए थे। सुनामी के वक्त भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने इस आबादी के पास खाने के पैकेट्स भेजने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मौजूद आदिवासियों ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स पर भालों और तीरों से हमला कर दिया था। आज भारतीय कानून के हिसाब से इस जनजाति के द्वीप पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। सोमालिया जनजाति। सोमालिया जनजाति एक अफ्रीकी जनजाति है। इस जनजाति में एक रिवाज सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, और वो ये है कि इस रिवाज में लड़की के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया जाता है, यानी लड़कियों की योनि के क्लिटोरिस भाग को काट दिया जाता है। इसमें लड़कियां काफी दर्द से गुजरती हैं और कई लड़कियों की तो मृत्यु भी हो जाती है। इस परंपरा में ऐसी मान्यता है कि खतना करना किसी लड़की की महिला बनने की प्रक्रिया का एक प्रतीक है। हालांकि पुरुषों का खतना कई देशों में किया जाता है, लेकिन महिलाओं के खतने का तथ्य ये है कि खतना करने पर लड़कियों में यौन जिज्ञासा शांत हो जाती है। पापुआ न्यूगिनी जनजाति। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित पापुआ न्यूगिनी को महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया जाता है। पापुआ न्यूगिनी में कई जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन इनमें सबसे अजीब जनजाति दानी जनजाति है। इस जनजाति के लोग मरे हुए लोगों के शरीर को आधा जलाकर वापस घर लाते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं ताकि अपने प्रिय की यादों को हमेशा पास रखा जा सके। म्यांमार जनजाति। म्यांमार के मगनचिन और मून जनजाति के मर्द अपनी बीवियों को बदसूरत बनाने के लिए उनके चेहरे पर दर्दनाक और खतरनाक टैटू बनवाते हैं। इतना ही नहीं, वो इनके चेहरे और शरीर पर टैटू बनाने के लिए ये लोग बांस और जानवरों के सींगों का इस्तेमाल करते हैं। मुर्शी जनजाति। मुर्शी जनजाति के लोग साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर के ओमान वैली में रहते हैं। इन लोगों की कुल आबादी करीब 10,000 है। ये जनजाति अपनी परंपरा को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती है। यहाँ के लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत इस जनजाति में महिलाओं के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है, जिसमें लड़कियों की उम्र 15 या 16 साल की होने पर उनके होंठ काट दिए जाते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया भर के पर्यटकों की नजर में आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। अफ्रीका में अब मुर्सी जनजाति, छाई जनजाति और तिरमा जनजाति ही ऐसी हैं जिसमें इस प्रथा का चलन अब भी जारी है। चेंचू जनजाति। ये जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती हुई जनजाति है। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली इस जनजाति में अपनी मर्जी से वर वधु का चुनाव करने की आजादी है। सबसे अहम बात यह है कि इस जनजाति में तलाक की स्थिति में आपसी सहमति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि आम समाज में भी अभी आपको कम ही देखने को मिलेगा। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जनजाति में विधवा विवाह को बुरा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।